हीरा पता नहीं कौन है, ये बंदा यही है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। 4 बजे आप सब एकदम समय पे आए, टाइम तो 3 बजे का था लेकिन फिर भी 4 बजे तक आ गए, ये भी अच्छी बात है। फिल्म लव शॉट, लव शॉट्स एक अच्छा नाम है, आजकल इस टाइप के नाम बड़े चल रहे हैं, सीक्रेट गेम, बाबा रामदेव, लव शॉट। तुम तो ऐसा मुस्कुरा रही हो, बहुत ही खूबसूरत लग रही हो नजमा। नजमा जो है बहुत ही फेवरेट हमारी पीआरओ है, हर जगह पे छा जाती है। मुझे पता नहीं आज तक कितने हजारों शो में फिर भी बुला चुकी है। मैं जाकर भी एक तरीके की किसी ने आज पेमेंट है, पेमेंट कितनी राजेश राजू बुला लेती है। पृथ्वी उपराय जी के जोरदार तालियां। पृथ्वी उपराय जी इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं और डायरेक्टर भी है, राइटर भी है, मतलब सर्वे सर्वा जो है, लिरिसिस्ट भी है, मतलब फिल्म के लिए पृथ्वी में जो जो हो सकता था पृथ्वी जी ने खुद। और आप तमाम कैबिन क्रू यहाँ पर जो मौजूद है उनको मैं धन्यवाद करता हूँ, वेलकम करता हूँ कि आप क्योंकि बहुत सारे ज़्यादा न्यूज कमर्स हैं और मुझे लगता है कि जहाँ पे लव का मामला आता है, लव शॉर्ट्स का मामला आता है, न्यू कमर ज़्यादा वर्क करते हैं क्योंकि लव का मामला जो है न्यू कमर से ज़्यादा जुड़ा होता है। आपने देखा होगा आशिक की फिल्म आई थी, राहुल रॉय की लव स्टोरी आई थी, कुमार गौरव की, इन दोनों ने साबित कर दिया कि करियर के शुरुआत में प्यार के चक्कर में पड़ोगे तो फिर जिंदगी में कहीं के नहीं रहोगे। तो ये लव स्टोरी वाला मामला जो है वो यूज से जुड़ जाता है। इनकी गर्लफ्रेंड का फोन आ गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर हम सब लोग एक नेक काम के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज हमारे कॉमेडी किंग राजेश पुरी जी मेरे गुरु, मेरे उस्ताद, इनके साथ में अपने करियर की शुरुआत की थी। उनका बड़कपन है कि मुझे उस वक्त बहुत कुछ सिखाया। धन्यवाद सर, थैंक यू मच। आज जो कुछ भी थोड़ा बहुत कर पा रहा हूँ आपके आशीर्वाद से, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। भाभी जी प्रणाम आपको भी, और सर्वे सर्वा हमारे ग्रेट सुरेश ओबेरॉय जी के लिए। मतलब इनके बारे में क्या कहें, इनकी एक्टिंग की तारीफ करें, इनकी आवाज़ की तारीफ करें, इनकी कदकाठी की तारीफ करें, क्योंकि जब जब पर्दे पर आते हैं तो पर्दा ऐसा लगता है जैसे इनके लिए ही बना हो। अभी बहुत अच्छा लग रहा है। तो सुरेश जी आपका वेलकम है, अपने अपने कीमती बकरी का अलग परिवार जैसा लग रहा है, वो गरे परिवार तो। और शीला जी का मैं पुष्पा जी का धन्यवाद करता हूँ, बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस है, फिल्म में माँ का रोल कर रही है, हालांकि खुद इतनी सुंदर है और यंग है कि हीरोइन का रोल कर सकती है, लेकिन ये आपका त्याग, ये आपका त्याग इतना याद रखते हैं। पवन चाहता हूँ कि आप ज़्यादा वक्त लेते हैं हमारे प्यारे भाई और वसीम भाई के लिए और पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। वसीम भाई की सोशल मीडिया आया है, इसरार भाई जिनके क्या कहूँ, इसरार को मैं क्या नाम दूँ कि कोई ऐसा काम नहीं, ये नहीं कर सकता। तो ये सर्वे सर्वा है, इसरार भाई आपका भी स्वागत है। शॉर्ट फिल्म आपके भी शॉर्ट फिल्म है, स्क्रीन शॉट ये कभी मिल रहा है ना। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए मैं पृथ्वी जी से कहूँगा कि आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाए और बताएं हमें कि लव शॉर्ट्स क्या है, इसमें क्या स्टोरी है, क्योंकि हीरोइन का मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छी लड़की है, इस लड़की ने साबित कर दिया कि हमें बचत करना चाहिए। जब एक ही कपड़े से काम हो सकता है तो क्यों पहने, देखिए स्क्रीन शॉट्स हैं, कपड़े भी शॉर्ट्स हैं, तो प्लीज कुछ कहिए। पृथ्वी जी को जोरदार तालियां, कुछ कहना चाहते हैं, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर सब हैं, जोरदार तालियां। Thank you very much. Thank you, Sunil ji. Thank you, everybody, for being here. And it's been a 30-year long time. It's been a long journey and a very, very, very tough one and a very lonely journey. But some of the blessings have been very strong that I'm here. I'm not a good speaker, I'm not a good orator, but I want to tell you that my work is a result of my upbringing, and I give my complete credit of that to my uncle, my chacha Suresh Ubhoyaji, who is here. My chachi,
मेरी दादी कहती थी कि माँ के पेट के अंदर भगवान एक घड़ा होता है, माँ का पेट, और भगवान 9 महीने बच्चे को पक्का, जैसे कुम्हार मट्टी को पका के जब बाजार में बेचता है ना, तो दुनिया में भगवान लाते हैं। तो एक बार मुझ इंसान को भगवान ने अपने माँ के पेट के अंदर कुम्हार बन के पाला और दुनिया के लिए तैयार किया मेरे चाचा चाची ने, ये उस लेवल के मेरे कुम्हार। अच्छी बात का माई वाइफ इज फ्रॉम मेडिकल फील्ड, शी नोज नथिंग अबाउट फिल्म मेकिंग, नाउ शी डज नो। तो जिस तरह एक सिपाही की पत्नी, सिपाही जब जंग पे जाता है कुछ क्या आगे होने वाला जाने बगैर तिलक लगा के बेचती है, मेरी पत्नी शांति से सालों साल जितना भी टाइम लगा फिल्म बनने के लिए पेशेंटली जो भी मुझे इस दौरान जरूरत थी उसने पूरा किया। और हियर इट इज, थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहता हूँ कि आज हम जोरदार ताली से स्वागत करें हम सबके फेवरेट सुरेश जी का कि वो स्टेज पे आ जाए और चंद चंद आशीर्वाद जो भी कहना चाहे, जोरदार ताली हमने वन एंड ओनली सुरेश ओबराय जी, जोरदार ताली। सर आजकल सब लोग मुझे हाथ लेने लगे, मैं इतना बुरा लग रहा हूँ, काली वाली कर लू सर, वो हाथ देखिए अपने आप को संभाल रहे हैं। चलिए आए, बहुत बहुत मुबारक इनको, हम लोग राणा बुलाते हैं, असली नाम पृथ्वी है या भूल जाता है। बहुत बहुत मुबारक हो, मैंने शुरू से बोलता था मैं फिल्म बना वाला तो चुप कर अपना कोई काम करता था। हम लोग बड़ी मुश्किल से एक्टर बने, तो कहाँ ये डायरेक्शन में जाते कहाँ प्रोडक्शन में जाते, उसको हमेशा मैं ये करता था डिस्करेज, लेकिन चोरी छुपी बना ही लिया, डॉक्टर साहब से शादी कर लिया, उनको भी प्रोड्यूसर बना दिया। चलो मुझे उम्मीद है ये फिल्म अच्छी चलेगी और इससे बेहतर अगली और बनेगी। God bless you all and best of luck to young artists and the writers and jo associated hain, aur main aapka bada fan hu, thank you media ye baat ki film aur banaye aur inka career lamba jaye aur successful jaye, kafi mehnati ladka hai aur zarur aage badhega, thank you so much and God bless। Boli sir Halim Ami ji ko dada sahab paanchwa award nawaza gaya, main is से कुछ कनेक्टेड है इस फिल्म से, आपको इस फिल्म की बाइट चाहिए ना भैया? सर प्रोड्यूसर के बारे में क्या कहेंगे सर आप? जी जी उनके बारे में क्या कहेंगे? उनको तो मैं मुबारक उस पर दे चुका हूँ अपने फेसबुक पे भी और उसमें भी, क्या हो रहा है आप क्या, इसलिए मैं नहीं देता बाइट, फिर आप मुझे सब्जेक्ट हटाते बात दूसरी और कर लेते हैं। सर जी कैसा फिल्म कैसा लगा, कैसा ट्रेलर देखा, आपने ट्रेलर देखा ये आप लोग बताइए, ये मैं तो, ये तो मेरा अपना बच्चा है, मैं फिल्म के बारे में कमेंट क्या करूँ। मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था कि वह इतनी अच्छी, मतलब इतने कोई बड़ा बजट भी नहीं फिर भी इतनी अच्छी क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी अच्छी लग रही थी, म्यूज़िक अच्छी लग रही थी, फोटोग्राफी अच्छी लगी मुझे, और जितना ट्रेलर देखा सॉन्ग्स देखा मुझे तो बहुत पसंद आया। कलाकार अरे मैं ये देख रहा था आजकल के लड़के इतना अच्छा काम करते हैं, लड़के लड़कियाँ इतनी, हम तो हमारे ज़माने के लोग तो डरते थे बड़े एक्टर के सामने, मेरे सामने भी मैंने देखा डरते हुए, और मुझे भी एक ज़माने में डर लगता था 1978 में। गाने कैसे लगे सर? बहुत पसंद आया मुझे, आपको अच्छे लगे? म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है और क्वालिटी बहुत, अगर टेक्निकली बहुत अच्छी है, टेक्निकल क्वालिटी फोटोग्राफी वगैरह लाइटिंग रिजल्ट बहुत अच्छा लग रहा था। फिल्म मैं ये सोचता हूँ कि ऐसी फिल्में बहुत कम बनती हैं क्योंकि ऐसा बोल्ड सब्जेक्ट बनाने के लिए गट्स चाहिए, और ये फिल्म खाली आप कहें कि इसको वल्गैरिटी की तरफ, तो उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि सेंसर ने इसको पास किया है विदाउट एनी कट्स, तो ये बहुत बड़ी बात है, और इसका मतलब यही है कि जो भी हमने मैसेज दिया है इस फिल्म को, इसमें कोई नंगापन नहीं है, इसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है, नीट क्लीन फिल्म है। और उसके अलावा जो लड़की ने काम किया है इसमें, हमारी हीरोइन ने, वो इतने, और जो पृथ्वी जी ने काम निकलवाया है, एक्चुअली क्रेडिट पृथ्वी को भी जाता है इसका,
जिस तरीके से लिखा गया और जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया उसमें कहीं भी वल्गैरिटी नहीं दिखती है। हालांकि लव सीन्स हैं, लव शॉट्स उसका नाम है और मैसेज है इसमें। और मैं जो हमारी बच्ची है हीरोइन, मैं उनके फादर का रोल प्ले कर रहा हूँ। मैंने इस फिल्म में प्रोड्यूसर, राइटर, लिरिक्स राइटर और डायरेक्टर पृथ्वी जी की तारीफ कितना भी करूं कम हो, उस एक आदमी ने इन सारी चीज़ों का स्ट्रगल अकेले किया है और इतनी अच्छी फिल्म बनकर हमारे सामने आई है जिसको सेंसर ने विदाउट कट के ए सर्टिफिकेट दे दिया। तो उनकी मेहनत रंग लाई है और हमारी शुभकामना है कि ये फिल्म काफ़ी हिट हो और सफल हो ताकि पृथ्वी को दोबारा अच्छी से अच्छी और बड़ी से बड़ी फिल्म बनाने का मौका मिले। और इसकी हीरोइन अनविता ने इतना अच्छा काम किया है, उसकी पहली फिल्म है मगर उस लड़की ने जैसे हीरोइन की आत्मा को बाहर निकाल कर रख दिया, बहुत अच्छा काम किया है। हम लोग तो साथ हैं ही, बस हमारी शुभकामना है पृथ्वी को सफलता मिले और हम फिर आप लोगों के सामने हैं, है ना। हाय, माय नेम इज अनविता। इसमें लीडिंग लेडी मैं निभा रही हूँ और आई थिंक ट्रेलर सब लोगों को बहुत पसंद आया, म्यूजिक सब लोगों को बहुत पसंद आया और मैं चाहूँगी कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही हम लोगों के ऊपर प्यार बनाए रखिए और हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए। आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, लोगों ने बहुत अप्रिसिएट किया, सुरेश सर आए उन्होंने बहुत अप्रिसिएट किया और भी मैं चाहूँगी कि ऐसे ही आप लोग हम लोगों का न्यू कमर का आई मीन टू से मी एंड हिज गले से आवाज नहीं निकल रही है, क्या कारण है इसका? मतलब कहीं ना कहीं बहुत खुशी का, खुशी की वजह से मतलब बयान। एक्चुअली मैं आई एम स्पीचलेस, जो मैंने काम किया है और जैसा सर लोगों ने मुझे बताया कि मैंने काम बहुत अच्छा किया है और सारा श्रेय ये डायरेक्टर सर को जाता है, पृथ्वी सर को जाता है कि उन्होंने मुझसे बहुत अच्छा काम निकलवाया और मैं खुद देख करके पर्दे पे आई एम सो हैप्पी। एक्चुअली आई एम सो हैप्पी। ऐसे किरदार की अगर बात करें तो काफी मैं मतलब कह नहीं पा रहा हूँ किस प्रकार के किरदार है, थोड़ा सा अपने किरदार के बारे में। बोल्ड लग रहा था, हम देख रहे थे हमारी मतलब आंखें ही नहीं बल्कि सांसें भी थम गई थी देखते हुए। सर ये बोल्ड होने से ज़्यादा है कि मैं उसको अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये कैरेक्टर जो हमने निभाया है उसके लिए जस्टिफिकेशन बहुत पहले ज़रूरी था और अगर मैं उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करती, सर अगर मुझसे जस्टिफाई करने का जो तरीका था वो अगर नहीं निकाल पाते तो कुछ और होता। लेकिन जो आपने आप बोल रहे कि बोल्ड है और फिर बहुत ज़्यादा ऐसा है, जब आप पूरी पिक्चर देखोगे तो आपको पता चलेगा ये कैरेक्टर इतना बोल्ड और इतना जस्टिफाई करने के लिए जरूरी था इतना बोल्डनेस। बहुत सारे आप क्या कहेंगे सर, अपना परिचय दें और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बात पर? हाय, मेरा नाम रवनीत सिंह है और मैं गिरवान का किरदार निभा रहा हूँ इस फिल्म में, जो कि इस फिल्म का मेन लीड है। सर ने मुझे जब इस स्टोरी के बारे में बताया था तो मैं सर से बहुत इम्प्रेस हुआ था। एक होता है मूवी को बनाना और एक होता है मूवी को बताना। सर के बात बताने का तरीका जो है वो बहुत अच्छा है। अगर आप सर के पास बैठेंगे या उनकी बात सुनेंगे आपको मालूम पड़ेगा कि मूवी, जैसा आपने बताया कि मूवी थोड़ी बोल्ड जा रही है, लेकिन एक चीज़ को बनाने का तरीका होता है। अगर हम काफ़ी मूवीज़ देखते हैं हमें पता लगता है कि हाँ इसके अंदर कुछ बोल्ड सीन है, लेकिन एक बहुत एक क्लास रखी जाती है हर चीज़ के अंदर। अगर आप क्लास के साथ में कोई भी काम करेंगे तो सारा काम बहुत अच्छे तरीके से होगा। बाकी हम सब ने मिलकर इसमें बहुत मेहनत करी है, सब कुछ बहुत अच्छा है और सबसे फेवरेट गाना जो मेरा है वो है हक का रिश्ता, जो मेरे दिल के बहुत करीब है। और या बाकी मुझे ओके, आप दोनों की केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी लग रही है पर्दे पर, लेकिन हम जानना चाहेंगे और कोई ऐसा वाक्य है जो शेयर करना चाहेंगे आप दोनों हमारे दर्शक? सर
सही बोलूँ, ये बंदा बहुत प्यारा है, बहुत कॉपरेटिव, बहुत फ्रेंडली है। और जैसे हम लोगों ने काम किया या सर ने हमसे जैसे काम निकलवाया, ऐसा लगा ही नहीं कि हमने कुछ ऐसा बोल्ड किया या कुछ भी। बहुत बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सिंपली वे में उन्होंने करने के लिए भी बोला और बहुत सिंपली वे में उन्होंने तरीका भी निकाला कि कैसे मैं हम कंफर्ट रहे, कंफर्ट जोन में हम काम करें। वो माहौल हम लोगों को सर ने बहुत प्यार से दिया। एक बात कहना चाहूँगी, ये चीज़ बहुत मायने रखता है, मेरे लिए तो खास करके बहुत मायने रखता है। एक कैंसर पेशेंट कैसे इतने जद्दोजहद से, इतने जिद से, जिसको मैं बोलूँगी इतने जिद से उन्होंने पूरी फिल्म बनाई। हमारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर जो है पृथ्वीराज ओब्रॉय, ही वॉज कैंसर पेशेंट। और जब उन्होंने मुझे बोला ना, लगा कि जस्ट हाउ इट्स पॉसिबल, तो मुझे इतना एनर्जी, इतना पावर, इतना पॉजिटिव एनर्जी उन्होंने दिया ना कि मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं इस चीज़ को नहीं कर सकती। या एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं अगर ऐसा कर, मतलब बोर्ड सीन दे रही हूँ या फिर लव मेकिंग सीन दे रही हूँ, कि वो आएगा कैसे, पर्दे पे कैसे आएगा। मुझे एक कभी ऐसा फील नहीं हुआ, क्योंकि उनका कन्विंसिंग पावर और उनका, उनके नीयत की बात करो या जो वर्ड का, वर्ड बोलने का एक लहजा होता है, हैट्स ऑफ। सर, आपको शेयर करना, आप दोनों की केमिस्ट्री शेयर करना। केमिस्ट्री हमारी एक्चुअली स्टार्टिंग में इतनी खास तो नहीं थी, पर धीरे धीरे वर्कशॉप्स करते करते बिल्डअप होते गई बहुत अच्छी अच्छी। और आप कहाँ पहुँचे? अब तो जहाँ थी और उससे भी बल्कि बहुत पीछे छूट चुकी है वो। और सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत पॉजिटिव था। जितने भी सारे लोग थे, सर थे, सब लोग बहुत सपोर्टिव थे, बहुत मोटिवेटिंग थे। काम करते हुए ऐसा कभी नहीं लगा कि आप कहीं बाहर आए हो या काम कर रहे हो, एक घर जैसा माहौल था। हमारे सीनियर एक्टर ने भी हमें बहुत हेल्प की। अच्छा, आप सच बता, क्या क्या हुआ था? अच्छा, हमारे सीनियर एक्टर, जैसे मैं राजेश पुरी सर का नाम लूँ, पुष्पा मैम का नाम लूँ या सुधा चंद्रा मैम का नाम लूँ, जब हम जैसे उन लोगों को देख करके हम बड़े हुए, और सडनली आप, मेरा उनके साथ वास्ता पड़ना, इट्स लाइक बिग थिंग। और मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि वो सीनियर एक्टर है, इतना कंफर्ट लेवल उन्होंने दिया। जब मैं फर्स्ट शॉट दे रही थी राकेश पुरी सर के साथ, तो ऐसा लगा जैसे ही इज़ माई फादर, जस्ट ही वॉज ट्रीटिंग मी लाइक दैट एंड स्टिल ही इज़ ट्रीटिंग मी लाइक अ डॉटर। पोस्टर भी बहुत अच्छा लगा, म्यूज़िक भी बहुत अच्छा लगा, तीनों चीज़ें मैंने देखी। और खासकर इस भाई को, इस फिल्म को इसरार भाई रिलीज़ कर रहे हैं, ये एक और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पिछली फिल्म मेरी बिग बॉस भी इन्होंने रिलीज़ की थी। अच्छा मार्केटिंग है, अच्छा सेंस है, और प्रोड्यूसर को लेके चलते हैं, उनके दुख दर्द को समझते हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी टीम जुड़ गई है, वसीम भाई की टीम, नजमा जी की टीम जो है, ये भी एक ऐसी टीम है, आप सबका सपोर्ट है। तो मुझे लगता है, और सुरेश ओबेरॉय जी का आशीर्वाद मिल चुका है। ओबेरॉय परिवार, मतलब मैं समझता हूँ कि ओबेरॉय परिवार का नाम जुड़ते ही कोई चीज़ हल्की नहीं रह जाती, फिर तो फिर उसमें वजन ही आ जाता है। और फिर लव शॉर्ट्स फिल्म का नाम है, तो मैं समझ जाइए कि आज के ज़माने की फिल्म है, रोमांटिक फिल्म है, और जो यूथ को अट्रैक्ट करता है, जो फिल्म दर्शक को अट्रैक्ट करता है, ऐसा हर तरह का मसाला इस फिल्म में, प्रोमो में तो देखने मिला है, तो जब तक फिल्म में तो भर के होगा। रेड मतलब लाल और मैं हूँ सुनील पाल। अच्छा लग रहा है, और आप सबको मैं कहना चाहूँगा मोदी जी के स्टाइल में शुभकामना दूंगा, मित्रा मेरी तरफ से पृथ्वीराज ओबेरॉय जी को और सुरेश ओबेरॉय जी को, जो कि दोनों मेरे भाई हैं, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और मैं चाहता हूं कि ये फिल्म देखने से पहले आप अपने विवेक से काम लें, विवेक से काम लेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा, विवेक ओबेरॉय से काम लेंगे तो और मज़ा आएगा, आपको कंपनी मिलेगी। मित्रों मत रहो, ये फिल्म को देखो और मज़ा आएगा जैसा मज़ा आया था इसरो। बस सर, बेस्ट ऑफ लक, जल्द से जल्द रिलीज की। अच्छा, बेस्ट ऑफ कितने स्क्रीन के साथ में कैसे रिलीज कर, क्या प्लानिंग है? 300 350 थिएटर ऑल इंडिया। बॉम्बे में कितना है? बॉम्बे में
सर्किट में पूरे 40 से 60 के बीच, तो 18 तारीख को गए, ऑलरेडी 8-9 फिल्में पहले से, तो इस भीड़ में इतने थिएटर मिलना भी बहुत ही अपने आप में एक, इसको क्या बोलते हैं, मिरेकल है जी। बस बाकी ऊपर वाले ख्याल से कोशिश कर रहे हैं। हाँ, नो मल्टीप्लेक्स, वी आर टारगेटिंग ओनली फॉर सिंगल स्क्रीन और सेमी मल्टीप्लेक्स और सेमी मल्टीप्लेक्स। अभी एक फिल्म आई थी, रैप्सोडी सारी थी, 4 शॉट्स, लोगों को ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि लव शॉट्स? सर, हर फिल्म में एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिलती है, जिस जॉनर की पिक्चर है उसको कहीं ना कहीं से कॉपी होती है। सारी हॉरर फिल्में एक ही जॉनर होता है, किसी में भूत होता है, किसी में भूतनी होती है, किसी में आंखें लाल होती है, कोई सबका मतलब डराना होता है। लव शॉट मतलब रोमांटिक एरोटिक, तो हर पिक्चर में वही सब कुछ चक्कर होता है, कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, मेन एम होता है एंटरटेनमेंट, दैट्स ऑल। थैंक यू ऑल द बेस्ट। जो फिल्म इंडस्ट्री है यहाँ पर रोमांस हमने बहुत बार देखा है, रोमांस के साथ डील करना काफ़ी आसान होता है एक हिसाब से, मेरे हिसाब से सेक्सुअलिटी को डील करना बहुत मुश्किल होता है। और ये फिल्म जो मैंने देखा है मुझे प्रभावित इसलिए करी कि वुमन सेक्सुअलिटी को बहुत ग्रेसफुली, बहुत बोल्डली और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से प्रेजेंट किया गया। तो मैं सबको कहूँगा कि एक नया ट्रेंड है, एक नई फिल्म है, एक बोल्ड फिल्म है, एक जिसे कहते हैं धांसू फिल्म है, तो सब मिलकर उसको देखिए, मज़ा आ जाए। थैंक यू। ये मेरे ख्वाब का सेकंड लास्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप इज रिलीज। तो जो लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस फिल्म से जुड़े हुए हैं, जिनकी दुआएं शामिल है, जिन्होंने काम किया, जिन्होंने राय दी, जिन्होंने मदद करी, सबका कोटि कोटि धन्यवाद। इट्स बीन अ लवली जर्नी। यस, इट वॉज टफ, द स्ट्रगल्स वर हार्ड, बट द फाइनल एंड प्रोडक्ट हैज बीन फैबुलस। This will be one of the films which I've enjoyed making. I've enjoyed film बनने बनाने के दौरान हर कदम को मैंने बहुत बहुत enjoy किया। Thank you very much. Thank you everybody. Thank you very much. पृथ्वी जी, थोड़ा सा कहानी के बारे में बताएं कि कहानी है ये लॉर्ड और जैसे हमारे बार एंड रेस्टोरेंट में मेनू में भी कुछ ड्रिंक्स के आगे शॉट्स होता है जिसे जाम कहते हैं, तो ये पिक्चर भी प्यार के जाम है, लव शॉट्स प्यार के जाम। एंड कहानी बोल्ड है बट औरतों के एक दायरे को खोला गया है, औरतों के दायरे के बारे में कहानी है, लेकिन औरतों के सम्मान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया इस कहानी को बोलते हुए। और कहानी एट एनी पॉइंट अश्लील नहीं है। दिस स्टोरी इज फॉर द यूथ। दिस वन ऑफ द ट्रेलर्स विच कम्स दैट दिस स्टोरी इज फॉर द यूथ, बाय द यूथ, ऑफ द यूथ। म्यूजिक की बात करें, कितने गाने और कैसे आप? पिक्चर में 4 गाने हैं, एक गाना थ्रू आउट चलता है, 2 गाने पिक्चरों के अंदर है, एक गाना एंड टाइटल पर है। गाने भी मैंने ही लिखे हैं। देव हजारिका मेरा मित्र, जिन्होंने संगीत दिया, दुख की बात है कि वो उस दुनिया में नहीं है। अक्टूबर 18 को फिल्म रिलीज हो रही है। यही एक 300 के आसपास थिएटरों में रिलीज करेंगे स्टार्टिंग में, और फिर थिएटर बढ़ाएंगे आगे। प्रमोशन पे कुछ रिवील करना चाहेंगे? हाँ, आप लोग ने पोस्टर्स देखे हैं, मोशन पोस्टर्स देखे हैं, और जो जो प्रमोशन के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, प्रिंट, प्रेस, आउटडोर, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, हर जगह आएगा। मैम, कुछ ऐड करना चाहेंगे? और आप ये फिल्म का पार्ट बनी, क्या कैसा
पृथ्वी जी जो मेरे हस्बैंड है डायरेक्टर भी है मूवी के, उन्होंने बताया कि उनको पिक्चर बनानी थी और उनका सब्जेक्ट जो उन्होंने बताया तो पहले तो सुन के थोड़ा यही अनकंफर्टेबल होता है कि आप ऐसी मूवी बना रहे हो, पर जब उन्होंने उस मूवी के साथ में सब्जेक्ट के साथ में जो मैसेज देना चाहा वो पूरा सुन के मैं इतनी इम्प्रेस हो गई कि मैंने बोला मैं आपके साथ हूँ, आप ये हिम्मत मत हारना और ये पिक्चर बनाइए, आपके हर कदम पे आपका साथ दूंगी। और उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, इतना अच्छा डायरेक्शन किया है और जिस तरह से ये इतने बोल्ड टॉपिक को इतने सटली पूरे पिक्चर में दिखाया है और एंड में आपको लगता है कि क्या इस टॉपिक पे ये पिक्चर थी, इतनी अच्छी तरह से उन्होंने पूरी पिक्चर बनाई है और अपना मैसेज दिया है पिक्चर मूवी के दौरान, तो मैं इनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी और धन्यवाद दूंगी कि ऐसा अच्छा टॉपिक लेके इतने कॉन्फिडेंटली उन्होंने जो बिलीव किया उसको उन्होंने दर्शाया और पिक्चर बनाई है। पृथ्वी जी, वाइफ का बटुआ खुलवाना बड़ा मुश्किल का काम होता है, क्यों आप हमेशा आपने कैसे कर लिया ये जी, कुछ शेयर करना चाहेंगे कैसे? मैंने नहीं किया, ये कहानी ने किया। मैं बोलना चाहूंगी, मुझे इन पे इतना भरोसा है कि वो कोई फालतू काम करते ही नहीं है, वो जिस वो हर चीज में अपना बहुत ही बोलते ना रुचि रखते हैं और बिलीफ रखते हैं अपने में, तो उनका पैशन और वो सब दिखता ही है, मुझे मालूम है कि ये कोई गलत काम करेंगे ही नहीं, तो मेरा बटुआ हमेशा इनके लिए खुला है। आप भाई इसको रिलीज कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे और कैसा रहा बॉन्डिंग? इसरार भाई ने गोद ले ली है फिल्म, रिलीज क्या कर रहे हैं? उन्होंने गोद ले ली है फिल्म, अब वो पार लगाएंगे। मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि ये स्पेस भी कम है। आई एम सो हैप्पी बिकॉज ये पिक्चर के लिए मैंने लिटरली बहुत बहुत प्रे किया है और मैंने पृथ्वी सर का डेडिकेशन देखा है, हमारे डायरेक्टर सर का, कितना उन्होंने इसके लिए एफर्ट किया, कितनी मेहनत करी है मैम ने भी, आई हैव सीन दैट एंड आई हैव सीन ऑल दैट स्ट्रगल। आज जो फाइनली हम आज बैठे हुए हैं म्यूजिक रिलीज पे, तो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ, ये बहुत मेरे लिए, आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड एंड थैंकफुल टू सर एंड and ma'am for this day today. Very happy, very happy. मेरा नाम रैना वशिष्ठा है और इसमें मैं जनोबिया किरदार कर रही हूँ, जनोबिया जो सेकंड लीड है, तो ये गिरवान जो लीड है इसके लिए बहुत पागल है, बहुत ही चुलबुली सी क्यूट सी लड़की है मगर प्यार सच्चा करती है गिरवान के साथ में जो रवनीत कर रहे हैं, और क्योंकि मेरे सारे सीन्स रवनीत के साथ में है, गिरवान के साथ में, वेरी नाइस वर्किंग विथ हिम, बहुत ही अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं और सारे सीन्स बहुत इजीली हो गए एंड सर मेड ऑल द सीन्स वेरी कंफर्टेबल, कुछ इसमें थोड़ा बहुत बोल्ड था, आई डोंट नो फाइनल कट में है कि नहीं बट थोड़ा सा था बोल्ड, बट एवरीथिंग वाज वेरी स्मूद एंड नाइस एंड ये ऐसा लगता है जैसे एक फैमिली है हम लोग की, ऐसा लगा नहीं कभी कि ये सर है या ये मैम है। मैं जब भी सर के यहाँ पे गई हूँ, वर्कशॉप है, शूट चल रहा है, कुछ भी है, ऑलवेज सर ने मुझे लस्सी, मेरे लिए सेट थी लस्सी, रहना मतलब लस्सी और उनका एक स्पेशल कहीं का वो है आइसक्रीम, अदर वे फेमस आइसक्रीम समवेयर इन गोरेगांव समवेयर, सो वो मेरे लिए आती थी, सबके लिए आती थी एंड वी वर लाइक किड्स एंड सो मच ऑफ फ्रीडम फ्रॉम कॉस्ट्यूम टू डायरेक्शन टू वर्कशॉप एवरीथिंग स्क्रिप्ट सब कुछ सर ने लिखी है, सो हैट्स ऑफ टू सर, ही इज डन अ ट्रिमेंडस ग्रेट जॉब एंड आई एम वेरी हैप्पी, वेरी 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 हैप्पी फॉर दिस डे एंड आई विश द एंटायर क्रू, हम सारे एक्टर्स को, सर को, अल्पा मैम को, सबको ऑल द बेस्ट and I'm very happy and this is halaki mera ye panchwa feature hai magar bollywood mein ye pehli bar release ho rahi hai, matlab jo bhi release hui hai cannes mein ya bahar hui hai to india mein release pehli bar ho rahi hai to iske liye main bahut bahut khush hu। I am Monica Miswanya and I am playing a very strong character in this movie. मैं मेन लीड जो हमारी एक्ट्रेस है उनके बेस्ट फ्रेंड का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। व्हाट आई फेल्ट प्लेइंग दिस कैरेक्टर इज़
आई फेल्ट वेरी स्ट्रांग लाइक आई वॉज फीलिंग द कैरेक्टर. मुझे जब सर ने बोला कि मोनिका तुम्हें मोनिका का ही कैरेक्टर करना है तो आई वॉज लिटरली सो हैप्पी बिकॉज दिस इज़ द स्ट्रांगेस्ट कैरेक्टर इन द मूवी. आई फेल्ट दैट. सो जब भी सेट पे होते थे सर बहुत कंफर्टेबल फील करवाते थे और जितने भी दिन मेरा शूट था आई थिंक इट वॉज अ लिटल टाइम दैट आई स्पेंड ऑन सेट बट इट वॉज रियली अमेजिंग दैट आई नेवर हैड दिस फैमिली काइंड ऑफ एटमोसफियर विद अदर कास्ट एंड इट वॉज रियली अमेजिंग. मतलब सर ने जितना ईजिली ये सब कुछ हमें जो एटमोसफियर दिया था उतना आई थिंक मुझे दूसरे जो मैंने शूट्स किए उसमें कभी नहीं मिला था. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म बिकॉज इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड बहुत ही अलग एक यू नो एक्सपोजर था. रिवोल्यूशनरी मूवी है ये मुझे ऐसा फील होता है और फिल्म इंडस्ट्री के लिए इट्स अ वेरी यू नो रिवोल्यूशनरी थिंग. सो मुझे ऐसा लगता है कि इट विल बी द बेस्ट मूवी ऑफ द ईयर. थैंक यू सो मच. Yes. जी और आप उनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसरार भाई जो हैं बेसहाराओं का सहारा है. जिनको कोई सहारा नहीं मिलता वो इनके दरबार में आ जाते हैं उनको सहारा मिल जाता है. मेरे एक दोस्त को सहारा मिला था सुनील पाल जी को. उनकी वीक बॉस सब कुछ इन्होंने करवाया था. अब ये आ गया है लव शॉर्ट्स. तो मेरी शुभकामना है भैया. इंटरटेनमेंट की नगरी है. इंटरटेनमेंट के लिए यहाँ रोज कुछ ना कुछ होता है. एक उसमें से ये भी है. तो पृथ्वीराज चौहान साहब के हम बहुत आशिक हैं. अब ओबेराय आ गए. अब पृथ्वीराज चौहान साहब ने झंडे गाड़े थे अब ओबेराय साहब झंडे गाड़ेंगे. तो मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ. खूब झंडे गाड़े पैसा वसूल हो जाए ताकि दो फिल्म और करें इसके बाद. जी ऑल द वेरी बेस्ट ओबेराय साहब और पूरी टीम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. इन दोनों चार लाइन सुनाता हूँ. मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे बड़ा काम सरकार का नहीं देखा जो इन दिनों हुआ. मेरी चार लाइन से अंदाज लगाना. इस भारत के लिए जो भारत मैप में आया है अभी इस समय नई छवि लेकर कि बेसहारों का हमेशा सहारा रहेगा. तरक्की के लिए हरदम इशारा रहेगा. और 370 धारा खत्म करके दुनिया को बता दिया कश्मीर हमारा था हमारा है हमारा रहेगा. थैंक यू. देश के लिए बहुत अच्छा अच्छा काम कर हम दिल से दुआ करते हैं. ये इसरार भाई है माशाल्लाह जिसको कहीं काम नहीं मिलता इनके दरबार में आ जाते हैं. तो इनके पास ऐसी भी फिल्में होती बेटा आ जा क्या कर सकता. बोले मैं मरता बहुत अच्छा हूँ. हाँ देखो सिर्फ मरने के लिए आया वो तड़प रहा है. बोले जल्दी मार शॉट ही खत्म नहीं. बोले मरता ही बहुत अच्छा हूँ. तो गजब गजब की टैलेंट आते हैं और ये बेसहारा लंबी लंबी कुछ हो जाए. अब ये कॉपी करता है इनका जो ये टैलेंट देखिए सर. इसरार भाई आप तो गजब ढा रहे हैं. इसरार भाई आप तो गजब ढा रहे हैं. और सुरेश जी के बाजू में बैठ के मुस्कुरा रहे मेरा अंदाज है. मेरे 24 है सर इस मुल्क में 24 जो मेरी कॉपी करते हैं. अच्छा। उसमें से एक रियाज इंडियन है. दो लाइन सुना दे भैया भाई से पर जाता ये कभी नीचे आता है कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है. ये झाड़ किया तेरे बाप का है कभी भी चढ़ जाता है.